कोई अगर बहू बनने के लिए इंटरेस्टेड है तो कमेंट करो। समीर बिरयानी जाए क्या जो फ्री का खाना तो उसको अच्छा ही लगता है। कटिंग वटिंग करवाओ। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज तारीख है 31 मार्च और 20वां रोजा है। आज हमने छोटी सी इफ्तार की दावत रखी है अपनी पूरी टीम मेंबर के साथ। तो कौन कौन आएगा तो सबसे आपको मिलवाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ घर पे कौन कौन है और कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तो ये देखिए फिलहाल समीर यहाँ पे है। हेलो गाइस, कैसे आप सब? और ये छोटू समीर यार, अर्चु भाई ये आपको प्यार कर रहा है इतना सारा, ये लो प्यार पकड़ो इसका। अर्च भाई मेरे साथ बैठ के यहाँ पे काम कर रहा है। अभी कंप्यूटर बंद कर दिया है, थोड़ा रेस्ट पे थक गया बहुत ज्यादा काम करके। और मैं अभी जा रहा हूँ शाहिद को लेने। शाहिद का कॉल आ चुका है। और कौन आने वाला है? जो जो आएगा सबसे पता चल जाएगा। ठीक है भाई, बने रहो। और प्रिंस से भी आज आपको मिलेंगे, बहुत दिन हो गए आपको प्रिंस से नहीं मिलाया, तो प्रिंस भी आज आएगा। शाहिद से तो मिल ही चुके हो, बाकी और मेंबर से भी मिलोगे। मैं जा रहा हूँ, बाकी ओवरऑल जो जो मेंबर आएगा सबसे आपको मिलवाएंगे। तो फिलहाल मैं दिखाता हूँ अम्मी क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस अम्मी यहाँ पे इफ्तार की। अम्मी ने सब कुछ खुद बनाया। हमने कहा था कि अम्मी हम बाहर से कर लेंगे, बट अम्मी ने कहा नहीं कि बाहर से कोई जरूरत नहीं, मैं सब सारा इंतजाम खुद कर लूंगी। तो क्या क्या बन रहा है अम्मी आज? मेरे बच्चों ने नहीं चाहा था कि मैं इतनी मेहनत करूं, लेकिन मैं खुद दिल से कर रही हूं, क्योंकि इफ्तार कराना एक नेकी का काम है। मैं भी इस नेकी में अपना योगदान दे रही हूं थोड़ा सा। अल्लाह कबूल फरमाए। क्या बात है। क्या हो गया? क्या हुआ? इसको हजम नहीं हुआ इतना कुछ। इसको इतना कुछ बोला तुमने, हजम नहीं हुआ। तो फिलहाल ये है सब इंतजाम यहाँ पे। एग्स है, पनीर है, ब्रेड पकोड़े हैं, ये ब्रेड पोटैटो रोल है, ये ब्रेड पकोड़ा बनेंगे इसके, इसमें क्या बिरयानी है, चिकन बिरयानी हुआ, प्रिपरेशन हो रही है, ये पनीर के पकोड़े, ये आलू प्याज। बेचारी गाइस बहुत सारा काम कर रही है अकेले। ये हमारी सिस्टर, इनके लिए कोई बहू लानी पड़ेगी। कोई अगर बहू बनने के लिए इंटरेस्टेड है तो कमेंट करो। समीर को नहीं, पहले साहिल भाई बड़े, साहिल के लिए आएगी। कोई इंटरेस्टेड है तो कमेंट करके बताना। देखो मैं नहीं चाहता, पर मेरी अम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है बेचारी, अकेले काम कर रही है, तो कोई होगी तो उनका हाथ बढ़ जाएगा। आप लोग समझ सकते हो कि अम्मी तुम हाथ बढ़ा दो ना, मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ, बहू से करवाओगे कैमरा है ना। मैं मतलब समझ सकते हो गाइस, फीलिंग सारा काम बहू से ही करवाओगे। हां बहू आएंगी काम करने, बहनें नहीं कर रही है खड़ी हुई बहनें। अरे भाई नहीं आ रहे आज? अली भाई नहीं आ रहे? आ रहे हैं। अच्छा अली भाई भी आ रहे हैं, हमारे जीजू वो भी आएंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। हेलो भाई। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो में बने रहें, मिलवाएंगे आपको सबसे। तो चलते हैं। अम्मी को सामान लाना है, लाना है एक पपीता और केला। चलो पपीता और एक केला लाना, शाहिद को लेने जा रहे हैं। हमारी टीम में शाहिद जो है वो बहुत बड़े नवाब है, उनको पैदल चलने की आदत नहीं है। क्यों भाई? आया ड्रामे उसके फालतू के। तो भाई खुद आया कर पैदल, रोजे में तो रोजे में गाड़ी भेजते रहे। लो भाई ये रही हमारी बाइक, बहुत गंदी हो रही है, चलाते नहीं इसको, चलाते नहीं है। और दूसरा इसके इंजन में भी काम होना पेंडिंग है, पता नहीं क्या क्या इसमें बाइक में दिक्कत आ रही है। आप में तो कोई बंदा हो जो बुलेट चलाता हो तो हमसे ले जाया करो यार, ये कम से कम साफ तो रहेगी, चलती रहेगी तो। हाँ ये बात भी ठीक है, हर लड़के का ड्रीम होता है कि जो पहली बाइक हो वो बुलेट हो, रॉयल एनफील्ड हो। तो सच में ही हकीकत बात है, ये बंदे लोग समझ जाएंगे, बॉयज समझ जाएंगे मेरी फीलिंग जो है। ये ड्रीम बाइक होती है सब किसी की, हमारी भी ड्रीम थी, पर जब ले ली तो उसके बाद सारा ड्रीम खत्म हो गया। तो मैंने पहले बता दिया था कि भाई स्टार की दावत है, तो थोड़ा रेडी होकर आए, मैंने नहीं बोला था। इसकी कटिंग देखो आप। अरे आ तो ये मायदा है, हमें उसने बोला था कि मैं तुम्हें नाले में मिल जाऊंगा, तो ये नाले का एरिया है। ये देखो क्या हाल चाल, मिली अपने शाहिद दी प्यारे से, शाहिद लव यू, शाहिद यू, शाहिद वो यार वहाँ करेंगे नेचुरल नेचुरल ब्यूटी। अच्छा क्या करेंगे? आप देख सकते हो हमारे टीम वालों के नखरे कैसे हैं, उन्हें लेने आना पड़ रहा है। भाई खाली हाथ आ गए यार, इंसान कहीं जाता है आता है तो कुछ लेके जाता है यार, खाली हाथ थोड़ी ना आता है। बेशरम हो चुके हैं, बेशरम। अपने घर ही ले जा कुछ, अपने घर ही ले जा कुछ। तो फिलहाल भाई घर में आए हुए इलेक्ट्रिशियन, इधर अंकल चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, यह तैयारी चल रही है। सब रेडी है? कब तक रेडी हो जाएगा? अम्मी वैसे 7-8 6-7 मेंबर हो रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ यहीं पे करवा दे, बीच में आंगन में यहीं पे बिठवा ले।
मतलब जितने बंदे हैं तुम इसी जगह है, यहीं पे अपना यहीं पे लगा के यहीं पे बैठ जाओ। मैं तो कह रही थी तुम यहीं पे खोल सकते हो, रोजा तू ऑफिस का लगा रहा है। पहले सोच रहा क्योंकि मुझे तुम ले लेके जाओगे किस तरह से ऑफिस में, कोना भी सामान बस के नहीं है। नो चांस, नहीं होगा, अभी जा रहे हैं ऑफिस में। नहीं तुम नहीं जाओगे, अगर नहीं भी बिठाना यहाँ पर तो बैठेंगे दोनों। ऐसे ही जगह है हमारे पास, ये हमारा हॉल है, काफी बड़ी जगह, हम सोच रहे हैं यहीं पे लगा लेंगे और यहीं पे बैठ जाएंगे सारे। भाई ये तैयार हो गया, इसको नहीं दिखाया। हाँ दिखाया मैंने। अच्छा चलो, अच्छा अच्छा चलो शप्पू। हाँ ये तो बस अपना गेम। मम्मी वो सब तो ठीक है, खाली हाथ आया शायद, कहीं जाते हैं जाते हैं, मतलब कहीं आते हैं जाते हैं तो कौन सा इंसान कुछ लेके जाता है। अरे यार ये पंखा खराब हो गया कल, अभी पहले ही गर्मी आई है तो पंखा चलाया, पता चला चल ही नहीं रहा, तो अंकल को बुलाया, वो ठीक कर रहे हैं। हो गया सब, सामान ला रहे हैं वो इसका। रोजा ज्यादा लग गया क्या? हाल कितने बुरे हो रहे, पूरी बड़ी हुई है, हालत खराब हुई पड़ी है। सोच रहा हूँ कटिंग वटिंग करवाऊँ नहीं करवाऊँ, फिर सोच रहा हूँ सीधा ईद पे करवाऊँ, ईद पे फिर सही लगता है थोड़ा फ्रेश एकदम। बहुत से लोग सेम चीज़ कमेंट कर रहे हैं, भाई रोजा नहीं रखते, ये वीडियोज अपलोड कर रहे हो खाने पीने की। भाई हमने रमजान से पहले सारे शूट कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद ही हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। रमजान में हमने कोई शूट नहीं कराया क्योंकि रमजान में सिर्फ हम इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं और कुरान पढ़ते हैं और घर का काम वाम बहुत सी चीज़ें होती है रमजान में। तो ईद की शॉपिंग डन हो गई थी? अभी तो शुरू भी नहीं हुई, डन तो शुरू भी नहीं हुई। क्या बनवा रहा? आलू मटर बनवा लो। घाघरा चोली पहन ली तू ईद पर? तो भाई यहाँ आने वाला है हमारा असर का टाइम, 4:50 हो रहे हैं और ये भाई हमारा इसने उधम मचा रखा है, रो रो के बुरा हाल कर रखा है। बाकी गेस्ट अभी आने बाकी हैं और मेरी अम्मी अभी से इतनी थक चुकी हैं। मैं थक रही, थकी भी लग रही हूँ किसी को, और चिल्ला जो रही हो। चिल्लाऊंगी तो सही, भी तो काम होंगे। भाई ये देखो इन्होंने पता क्या किया, ये अंडे की पकौड़ी बना रही है और अंडे डाल दिए इसमें और अंडे ऐसे उछल उछल के ऊपर आ रहे हैं। वो तो उछलते हैं बेटा, तेल में जाके अंडा उछलता है। एक अंडा तो उछल के अभी यहाँ गिरा साइड में। नहीं अंडा नहीं उछला है, वो तेल उछल रहा है। तेल उछल रहा है तो पीछे होके काम करना, लगवा मत लेना। नहीं मेरा हो गया बस अंडे। भाई ये अभी पनीर हो रहा है। इतना सारा काम करा इन्होंने सुबह से, बाहर से भी सब कुछ मंगवा सकते हैं पर यार ये घर का खाना हम करते हैं। हम जो वीडियो में भी फूड वगैरह देखते हो ना वो सारा अम्मी प्रिपेयर करती है, चिकन हो गया, रोल्स हो गए, कुछ भी यार बाहर का हम लोग खा खा के वैसे ही थक चुके हैं। तो पता है फिर हमने इनसे बोला कि पेट वेट खराब हो रहा है, फिर इन्होंने बोला कि मैं घर का ही खाना बना दिया करूंगी। तो अब ये बना तो देती है पर सुनाती बहुत। तो भाई ये सारा प्रिपरेशन इन्होंने अकेले ने करी है, कोई हाथ बटाने वाला नहीं है। बहन है मेरी, वो अपने लड़के को संभाल लेती है, छोटा बच्चा है, और ये अपना काम कर लेती है और हम जो बाकी वीडियो एडिटिंग का काम कर लेते हैं। इसी तरह सारे थोड़े थोड़े काम सब में डिवाइड हो रखे हैं और इसी तरह भाई सेहत का भी ख्याल रखना है, इसलिए घर का सारा खाने का सामान। बाहर का इतना ऑयल गंदा होता है, इतना गंदा ऑयल होता है ना, मैं तो खाने सकती ना, खाने दे सकती बच्चों को। बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है यार खा के, पेट एक बार में खराब हो जाता है। तो भाई चलो अभी नमाज का टाइम हो रहा है, फिर नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद आके आपसे मिलते हैं और फिर सारी प्रिपरेशन इनके साथ लग के सब करवाते हैं। तो मिलते हैं आपसे 2 मिनट बाद, बाय। ये भाई साउथ भाई आ चुके हमारे साथ। साउथ भाई माशाल्लाह सबसे तगड़े बंदे हमारे में, जिम जा रहे हैं ना, लाल टमाटर हो रहे हैं यार। भाई हद हो गई यार, हद हो गई, ऐसे बंदे भाई खाली हाथ आए थे। भाई हम नमाज पढ़ के आ चुके हैं, सामान वगैरह में सब ले आए हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? वालेकुम सलाम। भाई बड़ी लेट आए हो। हाँ मैं विजिट पे गया था फिर इसलिए लेट हो गया। अच्छा आज भी चमक रहे हो माशाल्लाह। भाई लास्ट व्लॉग कैसा लगा? बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो भाई अगर आपने भी लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो फटाफट से जाओ लास्ट व्लॉग देखो, हम बहन की ईदी लेके गए थे तो वाला व्लॉग देखो और उसमें भाई बहुत अच्छे लगे थे। ये देखो ये देखो पापा कहती कैसे उछल रहा है, वैसे खुश हो रहा है वो भाई साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, कचालू रेडी हो चुकी है, शरबत बनना बाकी है, पकौड़ियाँ तलनी शुरू हो चुकी है, पूरी हो गई। वाह माशाल्लाह, ये ब्रेड पकोड़े बन चुके हैं यहाँ पे। और ये क्या हो रहा है? ये पोटैटो रोल। पोटैटो रोल,
लिए सारी पकौड़ियाँ हैं, अंडे की हैं और बिरयानी का, बिरयानी अच्छा बिरयानी के चावल रखने तैयार है, बस इसके बाद चढ़ा दूंगी, बाकी सब तरह तैयार है। अरे माशाल्लाह, आइए आइए आइए। अरे क्या लेकर आया हो तुम ये? भाई ये तो साहिल खरीद रहा था। अरे तो वही है जो मैंने खरीदे थे, है अम्मी को दो। ये ही नहीं लाया, ये मैं लाया हूँ, ये नीचे से लेकर आया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ये हमारी आंटी नीलोफर आंटी, हाय कर दो। हाय, सब रेडी है? सब रेडी, सब रेडी, सब रेडी है, ऑल सेट भाई। कचालू रेडी है? कचरी तो तली नहीं अभी तक, कैसे तल दूंगी मैं, बस 10 मिनट का काम है, कचरी हो जाएगा। भाई ये तो हमारे साथ तशरीफ ला चुके हैं प्रिंस राठौर साहब। वाह, व्हाट अ ग्रैंड एंट्री। प्रिंस भाई, प्रिंस भाई हमारे साथ रोजा खोलने आ गया, रोजा ज्यादा तो नहीं लग रहा? स्पेशली हमारे साथ रोजा खोलना है। अरे यार क्या करेगा भाई, मैं कल वाला एक शॉर्ट रिक्रिएट कर रहा हूं, हमने एक रील बनाई थी उसमें फरदीन ने कैसा रिएक्ट करा था। अब बिरयानी खा रही हूं, बिरयानी खाओ क्यों, और मुझे देखो क्यों खा रहा हूं मैं बिरयानी खाते हुए, अंदर जा रहा हूं कमरे के अंदर, फरदीन भी जा रहा हूं। भाई इस वाले जो भाई बात कर रहे हैं ना, इस वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो भाई क्या क्या चाल वाल कैसी है तेरी? तो भाई ठीक है ना, तो थोड़ा सा है भाई तुम्हें कह रहे हैं। तो भाई ये प्रिंस को तो आपने देखा होगा, प्रिंस भाई का भी चैनल है, मैं इनका लिंक जो है इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप भाई को भी जाके सब्सक्राइब करो, इनके व्लॉग देखो, ये हफ्ते में एक व्लॉग डालते हैं बड़ी मुश्किल से, वो भी ग्रेट होता है। पर आप देखा करोगे तो बंदा रेगुलर डाल लेगा। कमेंट करना कि प्रिंस भाई डेली व्लॉग, वो भी इनके चैनल पे जाके ही कमेंट करना भाई। हाँ इनका चैनल, इनका भी चैनल है, इनका चैनल आपको ढूंढना पड़ेगा, उसका लिंक मुझे नहीं मिलता। हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये भाई शूट तो हो रहा है, मैं भी तुझे शूट करना चाहिए था कि आज मैं साहिल भाई, सभी भाई के। अरे एक एक कंटेंट दो व्लॉग में कैसे चलेगा भाई, लोग एक घर में 10-10 कंटेंट बना लेते हैं। नहीं, जो व्लॉगर होते हैं जैसे मान ले सौरभ जोशी है, शोएब इब्राहिम, सबाई इब्राहिम, ये एक ही घर में 4-5 व्लॉगर है, तो एक ही कंटेंट को हर कोई शूट करता अपने तरीके से। अच्छा माशाल्लाह भाई, थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। अब जब कहीं भी जाते हैं लोग हमें पहचानते हैं, जानते हैं, लोग हमें सपोर्ट करते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। ऐसी सपोर्ट करते रहे और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब अगर आप नहीं कराए तो सब्सक्राइब भी कर दें। पर हाँ, उस क्वेश्चन का जवाब तो देखो भाई, रोजे नहीं रखेगा तुम सब? अरे अब दिखे, अरे साहिल भाई से मिलो, अब दिखा आपको ये बंदा अब आया। तो भाई मैं ये कह रहा था, माशाल्लाह सबका रोजा है, सब रोजेदार है और पूरे रोजे चल रहे हैं, पूरी तरह भी चल रही है, तो आप थोड़ा समझा करो कि शूट जो है पहले भी हो जाता है, वीडियो बाद में आती है। प्रिंस भी बहुत पतला हो गया बेचारा। चलो भाई अब तैयारी करते हैं, टाइम बहुत कम बचा है। भाई मिल जाएगा ना तेरे को, इसको ऐसा लग रहा है मिलेगा नहीं, खत्म कर दो। अभी ये बेचने वाला ना हो कोई, तो गाइस इफ्तारी सबने कर लिया माशाल्लाह, और इफ्तारी करके बिल्कुल सब डन हो चुके हैं, तो ये बैठे सारे। भाई कितना खाएगा, तो आंटी भी जा रही है, तू तू कब उठेगा भाई? इफ्तारी सबने कर लिया भाई, कर लिया आपने, कैसा लगा सब कुछ? हमें बर्दिन कैसा लगा? चल इसको पैसे दे दिए तारीफ करने के। तो चलिए अब सब नमाज पढ़ गएंगे, अब मगरिब की नमाज पढ़ के आने के बाद आप सबसे बात करते हैं, सब साथ बैठ जाएंगे, उसके बाद ही थोड़ा रिलैक्स करेंगे, चलते हैं। साउथ भाई ने तो माशाल्लाह फूड अच्छे से खाया है, पता खाने वाले बंदे हो ना तो दावत देने का मजा भी आता है ना भाई, क्या फायदा बंदा खाने वाला ही ना हो, बंदे ने 100 पकवान बना रखे हो, पकौड़ी खाइए, बंदा खाने वाला ही ना हो तो फिर क्या फायदा भाई, लेकिन ऐसे खाने वाले बंदे होने चाहिए। परदीन भाई ने भी माशाल्लाह खूब खाया भाई, दिल खुश, दिल खुश हो गया परदीन भाई को खाते हुए देख के भाई। शाहिद भाई ने बड़ा थोड़ा सा खाया भाई, इसके लिए अच्छी बात कुछ नहीं बनाऊंगा, इसके लिए कुछ नहीं बनवाऊंगा। साहिल ने भी माशाल्लाह खूब खाया भाई दबा के, माशाल्लाह भाई चिकन बिरयानी है, ईशा के बाद खाएंगे, ईशा के बाद खाएंगे भाई, इंशाल्लाह दरावी के बाद खाएंगे भाई। तो भाई खाने वाले बंदे हो ना तो सच में मजा भी आया, मम्मी भी अब गुस्सा कर रही है, इतना सारा बनवा लिया तुमने फालतू में,
खाया, किसी ने कुछ नहीं छोड़ा, तो इतना सारा छोड़ दिया। जल्दी चलो भाई, देखते हैं भाई नमाज के लिए लेट हो रहा है, नमाज के बाद निपटाएंगे उसको किसी तरह करके। तो भाई रोज़ा खुलने के बाद सब जो है थोड़े से पसर जाते हैं, और अभी फरदीन भी चला गया, वो ईशा की नमाज के बाद आएगा, तरावी के बाद हमें मिलेगा। तो अभी यहाँ पे देखो सारे ढह हो गए हैं, शाहिद भी ढह हो गया है, प्रिंस भाई थोड़े एनर्जी में क्योंकि इनको रोज़ा लग नहीं रहा था तो इसका रात का रोज़ा था। साउथ भाई भी ढह गए, ये भी ढह गया, ये देखो भाई, ये देखो क्या चल रहा है यहाँ पर, कितना सारा खाना गाइस बच गया, देख रहे हो कचरी बच गई, पकौड़े वकोड़े तो इतने बच गए भाई, बचा कुछ नहीं, सब काम में आ जाएगा, बस यही है स्नैक्स आइटम है, धीरे धीरे करके खा ही लेंगे, तो वेस्ट कुछ नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके सबको खाना ही पड़ेगा। और अभी बिरयानी भी बन रही है, तो जब तक हम ये स्नैक्स खाएंगे तो बिरयानी के लिए तो थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा ना, फिर 11-12 बजे के आसपास खाना खाएंगे आज रात को, ठीक है, रुक जाएगा ना साउथ, ठीक है भाई। तो अभी आपसे फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और 5 मिनट बाद फिर मिलते हैं भाई। शायद चला गया ईशा की नमाज पढ़ने और प्रिंस जा रहा है घर, तो प्रिंस शायद अभी बाद में आएगा या नहीं आएगा खाने के लिए, वो कुछ कह नहीं सकते, तो प्रिंस को अभी बाय कर दो गाइस, प्रिंस को भी बाय कर दो, बाय गाइस, बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, चल भाई प्रिंस, बाय बाय। चलो गाइस नमाज के बाद फिर मिलते हैं आपसे, आने के बाद फिर शाहिद आ जाएगा, फदीन आ जाएगा, फिर खाने के टाइम पे आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस ईशा की नमाज वगैरह पढ़ के हम बिल्कुल फारिग होके आ चुके हैं घर पे, फिलहाल यहाँ पे सऊद है, समीर है, मैं आपको मिलाता हूँ अपने पापा से, जो लोग कमेंट कर रहे थे पापा का लास्ट लोग में पापा थे बट लोग पहचान ही नहीं, तो ये रहे पापा मेरे, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे बड़े भाई नहीं हैं, पापा हमारे काफ़ी माशाल्लाह यंग हैं, तो पापा थोड़ा बाहर रहते हैं इसलिए मतलब जब आते हैं काफ़ी लेट हो जाता है, आने के बाद हम नमाज पढ़ के आते हैं तो वो लेट जाते हैं और सो जाते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, इसलिए हमारे साथ ज़्यादा बैठते नहीं है, वो अपना आके खाना वाना खा के सिर्फ सो जाते हैं क्योंकि हम तो रात भर अपना जगह रहते हैं। तो फिलहाल पापा हाय कह दो सबको, तो भाई आपको कमेंट मत करना कहाँ है पापा, कहाँ पापा, कहाँ पापा, आपको दिखा दिए, पापा थोड़ा बिजी रहते हैं इसलिए काम से आगे वो अपना आराम करने लग जाते हैं। चलेगा तू गया भाई, तू जा, मैं तो भाई इनको ले जा रहा हूं। लो जी तो भाई साहिल भाई बिरयानी यहाँ पे ला चुके हैं फाइनली, अब आगे भाई बिरयानी, यस। चलो गाइस बिरयानी लग चुकी है, तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं फटाफट से खा के इन सबसे रिव्यू लेते हैं कि बिरयानी कैसी बनी है। अम्मी ने बहुत मेहनत करी सुबह से तारी के लिए भी, और अभी बिरयानी भी बनाई है अम्मी, मतलब एक लाइक और एक कमेंट अम्मी के लिए जरूर कर देना कि अम्मी जी वाह मजा आ गया। तो ये देख सकते हो आप लजीज बिरयानी लग चुकी है, तो दिल्ली से चलो भाई बिस्मिल्लाह करो भाई, चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे खाते हो जाए। तो गाइस हम खा के यहाँ पे फ्री हो चुके हैं और माशाल्लाह बिरयानी मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, बाकी उन लोगों से पूछ लेते हैं, मम्मी यहाँ पे जो है प्लेटें वगैरह उठा रही हैं। तो भाई साहू पहले तुम बताओ, अच्छी थी, बस अच्छी थी, झूठ तो नहीं बोल रहे मम्मी, यही खड़े 100 रुपए पेटी हो जाएंगे भाई। भाई शायद वो मैंने एक दिन ना तोफी की बिरयानी खाई थी वहाँ पर जाके, उससे भी अच्छी थी माशाल्लाह। ओ भाई क्या बात है, मैं क्या बात की, मैं क्या, इसके 100 रुपए पेटीएम होंगे, इसके 200 रुपए पेटीएम हो जाएंगे भाई। वर्दी तुम भी कोई अच्छी सी लाइन बोल दो भाई, भाई देखो कुछ भी बात हो, देखो बिरयानी चाहे कैसे बनी हो फ्री का खाना तो उसको अच्छा ही लगता है, बात तो सही है भाई, उसकी मौज आ गई, उसको स्वाद आ गया, इसको टॉपिक से भी अच्छी लगी, तो भाई बाकी भाई घर में कौन सा पैसे देते हैं वे? अरे तेरे से तो साले घर में भी ले जाएंगे भाई, से ले भाई, से रिव्यू भाई भी है, भाई तो ओरिजिनल जेन्युइन रिव्यू देंगे भाई। चलो बाकी अम्मी की मेहनत सफल हुई, बिरयानी फाइनली निपट चुकी है, बिरयानी कहाँ थी अब कहाँ हो गई ये भी दिखा दे पापा ने अभी सबसे रिव्यू ले, सबने सब खा चुके हैं, तो फाइनली भाई बिरयानी पूरी निपट चुकी है, इफ्तारी की तरह नहीं हुआ कि बहुत सारा सामान बच गया था, तो अभी भाई यहाँ पे सब खा चुके हैं। भाई कैसी लगी आपको बिरयानी? बहुत बढ़िया एकदम, भाई ने तो 2 प्लेट खाई माशाल्लाह, 3 खाई, पापा को कैसी लगी? फर्स्ट क्लास थी भाई, रायता वगैरह भी एकदम मैच हो रहा था बिरयानी के साथ, डालने में कुछ भी स्वाद चेंज नहीं हो रहा था और बढ़िया कर रहा था उसके स्वाद को। बाकी ये हमारा अर्श भी बिरयानी खा रहा है, अर्श बिरयानी खा रहे हो ये इसकी बिरयानी है भाई, ये इसकी बिरयानी है, खा कैमरे के आगे मुंह नहीं खोल रहा, अच्छा ये बोलो यार शादी के आगे, शादी में जब कैमरा आ जाता है तो मुंह नहीं खोलते। बिरयानी के बाद आइसक्रीम चल रही है, भाई तू नहीं खा रहा आइसक्रीम? खाएगा भी, छोड़ देगा क्या ये? मैं भी कहूँगा। बिरयानी के बाद सिस्टर को, सिस्टर भी घर निकल रही है अपने, और सऊद भी अपने घर निकल रहा है थोड़ी बहुत देर में। तो चलिए गाइस इस व्लॉग को करते हैं एंड,
अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट प्यारा सा कर देना, और भाई क्या क्या कर देना, शेयर कमेंट और अपना बेस्ट पार्ट कमेंट। शाहिद को इंटरेस्ट नहीं है भाई बिल्कुल भी, नो इंटरेस्ट, नो कमेंट फॉर शाहिद। तो चलिए गाइस व्लॉग को करते हैं एंड, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं करा हो तो। ध्यान रखें, टेक केयर, खूब सारा प्यार बांटा आपस में, साइनिंग ऑफ। बाय अर्शू। ठीक है भाई, बाय।